दूसरी सोमवारी को पंडित जी पूजा अर्चना में लीन है, भक्तों को कोई असुविधा नहीं हो। पंडित अनिल झा जी उसमें भी जुटे हुए हैं, काफी रुद्राभिषेक करना है और भोले बाबा को मनाना है। दूसरी सोमवारी है और पूरी भोले बाबा जी से प्रसन्न हो वो विधि के साथ चरणामृत पंचामृत सारी व्यवस्था पंडित अनिल झा जी के द्वारा किया गया है। और सर आपका मंदिर का क्या नाम है? साकेत ब्लॉक मंडावली दिल्ली जी। आज दूसरी सोमवारी का महात्म बताएं पंडित अनिल झा। आज तो दूसरा सोमवार है शुभ सावन के महीने के संबत का और आज त्रयोदशी भी है, द्वादशी युक्त त्रयोदशी है, तो आज प्रदोष व्रत भी है। तो भोलेनाथ के लिए तो प्रदोष व्रत ऐसे भी रखा जाता है और वो सोमवार को हो तो सोम प्रदोष बन जाता है, तो वो अति सुंदर हो गया। हम लोग कहते हैं एकादश रुद्र, तो हमारे शरीर में एकादश रुद्र क्या है? हमारे शरीर में पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और उसको नियंत्रित करने वाला एक मन, वो एकादश रुद्र है। और मन के देवता कौन है? तो मन के देवता चंद्रमा है और चंद्रमा का एक नाम सोम है और चंद्रमा भोलेनाथ भोले शिव के मुकुट पर विराजित है। संभोर मुकुट भूषणम, भोले बाबा के मुकुट के आभूषण है चंद्रमा। और चंद्रमा मन के देवता है, चंद्रमा जल के देवता। भोले बाबा को जल से, गंगा जल से, दुग्ध से और इत्यादि जो अभिषेक करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, मन चित्त स्थिर होता है और चित्त स्थिर होने के बाद हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसको अच्छे से संपादित कर सकते हैं। इसीलिए सोमवार को निश्चित रूप से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। ये तो एक बात। दूसरी बात कि सावन का महीना विशेष है। सावन के महीने में ही भोले बाबा ने माता पार्वती को पहली बार देखा था और इस महीने की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है अर्थात कल भोलेनाथ का क्या जो शिवरात्रि कहा जाता है, जल दिया जाता है, जल से अभिषेक किया जाता है, तो कल का भी दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और यही फिर आगे माघ महीने की कृष्ण चतुर्दशी को हम नरक निवारण चतुर्दशी मनाते हैं जिस दिन हमारा उनका लग्न लिखा गया था, और फागुन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को हम महाशिवरात्रि मनाते हैं जिस दिन उनका विवाह सम्पन्न हुआ। तो आज का दिन बहुत ही विशेष है, इस दिन व्रत करें, फलाहार पर रहें और यदि ऐसा हो तो निराहार रहें, मात्र जल पर रहें, वो भी संभव हो सके तो जल को भी त्याग करके और व्रत को करें और भोलेनाथ के शरणों में अपने आप को तल्लीन करें और जिससे कि हमारा जीवन प्रतिताप हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गुरुजी पंडित अनिल झा जी हैं और इनके द्वारा आज दूसरी सोमवारी पर आप सभी दर्शकों को दुर्लभ और अमूल्य बातें बताई गई है, उसको सुनिए, ग्रहण कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी न्यूज को जरूर देखिए। देखते रहिए आज दूसरी सोमवारी पर विशेष भोले बाबा का महत्व। श्रावण मास की दूसरी सोमवारी पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित तमाम शिवालयों में जैसे बाबा अमरनाथ, बाबा बैद्यनाथ, बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से लगी है और सभी वर्ग के लोग शिव जी को जलाभिषेक कर रहे हैं, अपने सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और सोमवारी व्रत का भी काफी महत्व होता है, देवों के देव महादेव इन्हें प्रसन्न करने की हर तरह से पुरुष महिला बच्चे बच्चियां सभी लोग भोले बाबा के शरण में आए हैं। मैं अभी मंडावली के साकेत ब्लॉक स्थित शिवालय में हूँ। पंडित अनिल झा के नेतृत्व में यहाँ बाबा का भव्य श्रृंगार पूजन और भक्तों में अपार आस्था देखने को मिल रहा है। देखते रहिए हमारी न्यूज और हर हर महादेव। दूसरी सोमवारी की आप सबको बहुत बधाइयां। आंटी जी आज दूसरी सोमवारी है, भोले बाबा सब पर ऑर्डर दानी है, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? बहुत भोले बाबा की कृपा सब पे बनाए रखे, सब पे बनी रहे, पूरे विश्व का कल्याण हो और पूरा तो आप लोगों ने पूजा कर ली दिल्ली में, लोग चिंता दुख दलिद्र दूर हो और भोले भंडारी की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी बहन जी आज इधर आ जाइए, उधर प्रकाश आ रहा है। जी बहन जी
भोले बाबा को ऑर्डर रानी कहा जाता है और बाबा की महिमा अपरंपार है। क्या कहना चाहेंगे, आज सुबह सुबह आपने दूसरी सोमवारी को जलाभिषेक किया है साकेत ब्लॉक। सबको सुख शांति दे, ऐसे खुशियाँ बांटते रहे, सबको श्रद्धा बनाए रखें, ऐसे पूजा पाठ सबको करते रहे, दिल्ली में सब सुख दे, दुख जो भी है वो दूर करे भोले बाबा, सबको सुख शांति। तो आज व्रत में है आप? हाँ जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर बोले। और कहावत है, बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई। अब बाबा के दरबार में मैया पार्वती कहे सो हुई। तो मैया पार्वती जी के विषय में आज दूसरी सोमवारी है, बताइए क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद।